हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो हम भी एकदम वेल एंड गुड है। सो आज का व्लॉग स्टार्ट हो गया है सुबह से, और क्या कहते हैं, आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। ऑल ऑफ यू मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि गर्ल्स गर्ल्स का ही फास्ट होता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि बॉयज़ भी फास्ट रखते हैं या हस्बैंड भी फास्ट रखते हैं, अपनी पत्नी के लिए या अपनी होने वाली पत्नी के लिए, है ना। तो इसीलिए सभी को करवा चौथ की शुभकामनाएं। सो अभी सब मतलब मम्मी, मैं, मस्तू तैयार हो गए हैं, मतलब नहा धो के पूजा वगैरह हमने कर ली है। और अभी ये देखो, मैंने मेहंदी नहीं लगाई है। मेहंदी इसलिए नहीं लगाई है क्योंकि मम्मी लोगों ने तो रात में ही मेहंदी लगा ली थी। नहीं, पहले हमने कल डिसाइड किया था कि हम ऋषिकेश से ही मेहंदी लगाएंगे, बट फिर हमने वहाँ पे देखा, पहले हमने सामान वामान तो हमने जल्दी ले लिया था, बट जिस हिसाब से हमने वहाँ पे देखी लोगों की स्पीड बहुत ही तेज थी, बहुत स्लो स्लो वो मेहंदी लगा रहे थे। फिर हमने सोचा यार पूरा टाइम ऐसे ही निकल जाएगा, और मेहंदी वो इतनी अच्छी खास लगा नहीं रहती, क्योंकि मुझे तो प्रशांत की मेहंदी बहुत ही अच्छी लगी। मतलब दिख नहीं रही ना मेहंदी, नहीं तो मैं इसी के ऊपर ऐसे ऐसे लगा लेती, बट अब लगेगी नहीं वैसी मेहंदी। पर चलो कोई नहीं, मम्मी ने और मस्तू ने तो रात को ही लगा ली थी, मतलब ईशू ने लगा ली थी मेहंदी। फिर ईशू ने बोला चल मैं तेरी लगा ली थी, तो ना अक्सर सो ही रखा था, मतलब वो ऋषिकेश से मतलब घर आए हम तो वो सो ही रखा था। मुझे लगा नहीं यार तब लगाती, पहले अक्षु थोड़ा उठ जाएगा, फिर उसको थोड़ा कुछ खिला दूंगी, फिर मेहंदी लगाएंगी। लेकिन अक्षु तो उठा ही नहीं, अक्षु ना सीधा सुबह उठा। फिर मैंने चलो यार कोई बात नहीं, अब कल लगाऊंगी मेहंदी। तो बस अभी रेडी वेडी होके मैंने पूजा वगैरह जैसे कर ली है, तो लगा देती हूँ थोड़ा शगुन के लिए टपकारा वाली मेहंदी लगाती हूँ, पोलका डॉट मेहंदी लगाती हूँ मैं आज। कीप वगैरह तो खैर हमारी बची हुई थी, और देखते हैं अभी कैसी मेहंदी लगाऊंगी। और आज मस्तू जा रही है वापस, क्योंकि उसको पहला करवा चौथ मनाना है अपने ससुराल में, तो हमने बोला जा भाई तू जा ले। तो अभी वो भी रेडी वेडी हो गई है, तो बस अपना सामान वामान पैक कर दिया। आती तो इतना सा सामान लेके आए, जाती इतना सारा सामान लेके आए। सो दुल्हन भी यहाँ पे पूरी तैयार हो गई है, ये देखो, बस थोड़ा नथ की कमी रह गई है। नथ मस्तू ने अंदर रखी है, क्योंकि जब तक पापा आएंगे ना तब तक तो पहन ही लेगी। हाँ, इसकी गाड़ी आने वाली है ना 65-10। यही होता है ना, जब पास ससुराल होते यही फायदा होता है, फटाफट मायके चले जाओ, फटाफट ससुराल आ जाओ। ये इसलिए जल्दी जा रही है, इसको लग रहा है कि वहाँ पे चांद जल्दी आता है, और यहाँ पे आता है 11 बजे चांद। मस्तू कह रही है वहाँ पे जल्दी आता तो मैं वहाँ चली जाती, यही राज है, इसलिए फटाफट जा रही है। तो मस्तू कह रही है इस बार मैं देख रही हूँ कि कहाँ पे चांद जल्दी आएगा, अगर वहाँ पे जल्दी आएगा तो वही बनाऊंगी। और यहाँ पे मतलब ऐसे ही आता है, 11, 11:30 बजे ही आता है, और अगर वहाँ पे 12 बजे आए तो फिर अगली बार से यहाँ व्रत मनाएंगे। वाह वाह, क्या वो है ना तरीके, कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत बेकार। क्या है, मेरे सूट पसंद नहीं। नई नई वाली दुल्हन तो अच्छी लगती है ना, पुराने तो हम हो गए यहाँ देखो अच्छी। मेरे तो मेरे बाल नहीं बन रहे आज, बहुत बेकार लग रहा है। और एक हमारी मेहंदी कलाकार ने देखो मेरी शादी की मेहंदी की ऊपर मेहंदी लगा दी, दिखाती हूं अभी मैं इसी ने कैसी मेहंदी लगाई। अरे देख सकते हो आप, ईशू ने कैसी मेहंदी लगाई है। मतलब चलो दुल्हन तो ठीक ही बनी हुई है, लेकिन दूल्हा की वो क्या बोलते पगड़ी वगड़ी कहाँ नीचे आ रही है यार, रोने भी लगा दूल्हा क्या। और दूल्हे की आंखों में नहीं, अरे दाढ़ी है मस्त कह रही दुल्हन चुड़ैल बना दी किसने। सो मस्तो अभी फाइनली जा रही है, तो मम्मी के लिए वो सूट लेके आई थी, और मम्मी के लिए वो गिफ्ट दे रही है, वो कह रही मेरी वीडियो बना के। और ये एक और गिफ्ट है, मम्मी के लिए पायल दे रही है। अच्छा, मुझे पता था यही होगा, मेरी मम्मी को पायल का बहुत शौक है ना, तो मस्तू ने चलो चल भाई जाओ भाई अब जल्दी जल्दी बाय। सो गाइस अभी बज गए हैं शाम के 4, और अभी हो गया है पूजा का टाइम, और मेरे को दूसरी साड़ी तो लेके नहीं आ रखी, जिसने मैंने शादी वाली साड़ी पहन ली। और ये साड़ी उस टाइम मैंने मस्तू की बारात के दिन पहनी थी, बट मैंने ये फिर जेवर वगैरह नहीं पहने थे, तो मैंने सोचा चलो यार एक थोड़ा अलग लुक तो हो ही जाएगा ना। तो बस अभी भाभी लोग भी आ गए हैं, पहले हमने डिसाइड किया था कि भाभी लोग यहाँ जाएंगे पूजा करने के लिए, और फिर भाभी ना ऊपर ही आ गई, तो बस अभी यहीं पे पूजा करेंगे। अभी चटाई बटाई बिछा रही है, फिर मेरे बाल कितने गंदे लग रहे हैं अच्छी। और यहाँ पे ईशू मेरा मंगलसूत्र नहीं हार सेट कर रही है, कह रही है गड़बड़ हो गया। तो ये आ गए हैं भाभी यहाँ पे, सो यहाँ पे हो रही है पूजा की प्रिपरेशन, और मम्मी भाभी लोग सब धूप वगैरह चला रहे हैं, और बोल भी रहे हैं कि सर दर्द हो रहा है धूप से, तो यहाँ पे मत जलाओ नीचे जलाएंगे।
और ये है हमारी पंडिताइन। स्वीटी को हमने बुलाया था करवा चौथ की किताब पढ़ने के लिए, तो उसने बस सबके टीके वगैरह लगाया और पूजा स्टार्ट कर, एंड यहाँ पे करवा माँ की पूजा करने हमने स्टार्ट कर दी थी। तो सिमी यहाँ पे पढ़ रही थी, सॉरी सिमी कह रही, मैं स्वीटी यहाँ पे पढ़ रही थी और हम सब ध्यान से सुन रहे थे। फिर यहाँ पे करनी थी गणेश जी की आरती, पूजा वगैरह हमारी फिनिश हो गई थी, हमने स्टार्ट करी यहाँ पे गणेश जी की आरती जो कि बहुत जरूरी। उसके बाद तो आप सभी को पता होगा कि 7 बार थाली को घुमाया जाता है, जो जो मतलब श्रृंगार वगैरह का सामान रखा रहता है हमने थाली में, तो बस हमने थाली को भी घुमाया पूरे 7 बार और हम सब थोड़ा कंफ्यूज ही हो गए थे। उसके बाद हम सब नीचे आए पानी का लोटा और धूप लेके, जो कि हमें पानी चढ़ाना था फूल में या तुलसी माता के पेड़ में। तुलसी के पेड़ में तो हमने नहीं चढ़ाया, फिर हमने फूल के ऊपर ही पूरा पानी चढ़ाया और यहाँ पे आप देख सकते हो, और इतना पानी हो गया था ना, पूरा सारा पानी पानी नीचे हो गया था। उसके बाद हमने लिए फूल के 7 फेरे और सब कह रहे थे कि हमें ना चक्कर आने लग गए, क्योंकि हमने थोड़ा बड़ा घेरा बना दे तब शायद चक्कर से नहीं आते, एक तो खाली पेट और ऊपर से हमने इसके 7 फेरे ले लिए तो ऊपर चक्कर आने लग गए बताओ। सो गाइस अभी हो गई है हमारी पूजा वगैरह भी और इशू बना रही है चाय, दिख रही होगी थोड़ा थोड़ा, अभी चीनी पत्ती डाल रही है और मैं तो चाय नहीं पीती हूँ, मैं खाती सिर्फ एक एप्पल, क्योंकि मैंने फर्स्ट डे ही मैंने एप्पल ही खाया था, तो बोलते हैं ना कि फर्स्ट डे खाते हैं वही खाना चाहिए, तो बस अभी इशू बना रही चाय, मैं खाऊँगी एप्पल। पहले मैं धो देती हूँ, पहले मैं पहले मैं बता दूँ ना कि मैं क्या खाती हूँ। नहीं वैसे मैंने पिछले साल बता दिया था यार कि मैं एप्पल खाती हूँ। तो गाइस अभी मैं बना रही हूँ पूरी, और पूरी हम थोड़े से ही बना रहे क्योंकि इतना खाने का मन नहीं करता है ना ऑयली ऑयली। और ये देखो पूरी इसमें बन गई है, पूरी तो मतलब ऐसा लग रहा है बिल्कुल स्वाला जैसा लग रहा है, वो इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने ये सरसों के तेल में बनाई है, और सरसों के तेल में जो पूरी रहती है ना वो ऐसे लाल लाल रहती है। और ईशू ने बनाई है मटर पनीर की सब्जी। तो सो गाइस अभी हमारा खाना वगैरह भी बन गया है, और हमने ज़्यादा खाना नहीं बनाया है, मतलब मटर पनीर की सब्जी बनाई है हमने, रोटी बनाई है और पूरी बनाई है, थोड़ी सी सिमी बनाएंगे, दोनों बहुत हल्ला कर रहे हैं, थोड़ी सी सिमी बनाएंगे क्योंकि हमने हलवा परसों बनाया था, तो मम्मी ने बोला हलवा खाने का इतना मन नहीं है, तो ऐसा करते सिमी बनाते हैं, तो सिमी हम गरम गरम बनाएंगे। बाकी अभी पूरी वगैरह बन गई है, सब कुछ बन गया है, बट 10:30 हो गया और चांद अभी तक नहीं आया है, और दूर दूर तक कहीं दिख भी नहीं रहा, ऐसा होता है ना चांद आता थोड़ी थोड़ी लाइट दिखने लगती है, बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, और बाहर मतलब इतनी तेज हवा चल रही है ना क्या ही बताएं, मैं तो बिल्कुल साड़ी पहनने का मन नहीं कर रहा, साड़ी पहनने का मन भी तभी करता है सैया जी साथ में हो। सैया जी तो है नहीं, तो फिर मैं सोच रही यार मैं सूट में ही, ठीक है सूट भी मेरा नया ही है, सूट में ही मैं अपना व्रत खोल दूंगी, मतलब इनका तो पता नहीं कितनी बार वीडियो कॉल आ गया कि सोच रहे पता नहीं चांद आ गया कि चांद आ गया, मैं दिखाती हूँ आपको पूरा अंधेरा हो रहा है। ये देखो जब चांद आता है ना तो थोड़ा थोड़ा ये आपको दिख रहे होंगे, आसमान ऊपर है और ये पहाड़ नीचे है, तो थोड़ा थोड़ा उजाला ना हो जाता है, लेकिन कहीं पे भी कोई उजाला नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ तारे दिख रहे हैं हमें, बस तारा भी एक ही दिख रहा है बस, तो वेट करते हैं अभी तो। और ये बनी है मटर पनीर की सब्जी, ईशू ने थोड़ा ड्राई ड्राई बनाई है क्योंकि हम ज़्यादा हैं भी नहीं खाने वाले, ज़्यादा हम हैं भी नहीं खाने वाले, क्या बोल रही, दो इन महारथियों को देखो, ईशू को एयरफोन उसने कान में लगा रखा है, उसे बताया रीनू बुआ के पास भी यही है, और ये देखो पहले उसने अपने कान में लगाया फिर ईशू के कान में लगा रहा है, मेरे कान में लगाओ, लगाना है मेरे कान में लगाओ। माँ की जुल पे आगे आ रही, माँ को बोले बुलबुल पीछे करे, लगाओ लगाओ, वाह वाह।
सो गाइस अभी बजने वाला है 11 और हमारा चांद अभी तक नहीं आया, तो मम्मी कह रही ना तुम सिम्मी बना दो कि उसी टाइम फिर कहाँ सिम्मी बनाओगे, तो बर्तन बाहर रह गया। मम्मी इतना बड़ा पैकेट लेके आ गई सिम्मी का, बट फिर ना मैं एक बार चांद को देखती हूँ कि आने वाला है या नहीं आने वाला, क्योंकि थोड़ी थोड़ी लाइट तो दिखी जाती है ना चांद की। अक्षु कहाँ जा रहे हो? सो अभी पता चल जाएगा चांद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओ दिखा दिखा भाई, ये देख सकते हो आप, थोड़ी सी लाइट दिख गई है, मतलब चांद आने वाला है, आने वाला कि चांद ही दिख गया अब तो। सो यहाँ पे मैंने फ़ोन रखा हुआ था बाहर में, मैं देख रही थी चांद कितनी स्पीड से निकलता है और कितनी स्पीड से नहीं, बट चांद बहुत ना धीरे धीरे निकल रहा था। सो सबसे पहले मम्मी ने अपना फास्ट खोला और पापा तो मतलब 2-3 नींद पूरी कर चुके थे, फिर पापा को उठाया, पर ये होता है कि हर करवा चौथ में पापा सोते भी हैं लेकिन उठ भी ना टाइम से जाते, पूछते रहते कि चांद आया कि नहीं आया, तो ना उठ गए थे। और अक्षु ना मम्मी और पापा के बीच में खड़ा हो गया कि नहीं मैं भी देखूँगी नानी क्या कर रही है और नाना क्या कर रहे हैं। मम्मी के बाद फिर मैंने खोला अपना फास्ट वगैरह और मैंने ईशु को बोला तू वीडियो बना मेरी, और अपना फ़ोन मैंने रख दिया था सेल्फी स्टैंड में, तब तक पापा अंदर से लेके आए अरे इसमें रखो कि फ़ोन, फिर बस मैंने भी अपना फास्ट वगैरह खोला। और अभी आप ना अक्षु को देखना यहाँ पे क्या करेगा, इनकी वीडियो कॉल आ रखी थी तो अक्षु ना फ़ोन पे अपने इनको मतलब वो खिला रहा था फ्रूट वगैरह। देख रहे हो तुम्हें ठंडी के अंदर है, देख रहा था देखो खोल दिया मम्मी ने अब किनारा फिर मैं दिए थे अभी आया चांद खाओगे अच्छी नहीं। अरे मारे और बर्फ बोलवा और यहाँ पे फिर मैंने ईशु को बोला चल तू नेक्स्ट ईयर से तू भी फास्ट रखेगी क्योंकि नेक्स्ट ईयर तक ईशु की शादी हो जाएगी, तो मैं बोल रही थी उसको तू भी ट्रायल कर ले कैसे कैसे करना है कैसे क्या करना है, तो ये देखो ईशु को दिया तो उसमें रखा नहीं छन्ना लेके चली गई। हाँ